हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे के सारे। तो हम उठ चुके हैं 1 बजे। गुड मॉर्निंग, ये उठे 1:10 पे, हम उठे 1 बजे। तो गाइस, हम जा रहे हैं तहलका भैया के घर पे। हमारा कुछ जो है कोलैब होना है और कुछ वीडियोस बनानी है साथ में हमें। तो हम जा रहे हैं तहलका भैया के घर पे वीडियो बनाने। और गाइस, कमेंट सेक्शन में बताएं तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। हाँ, तो मधीरेश भैया भी स्मार्ट से लग रहे हैं यार। बस जब आदमी रहता है ना स्मार्ट लोगों के साथ तो स्मार्ट हो जाता है। संगति का असर है। अच्छा, संगत में रंगो। गाइस, जा रहे हैं हम, दिखाएंगे अभी आपको। तहलका भैया बिग बॉस से आए जीते। आप लोगों को पता है उनके साथ गलत हुआ भाई। मारपीट बिग बॉस में पहले भी हुई है, बट ये कोई मारपीट तो थी नहीं थी ना यार। ये मारपीट थोड़ी थी, और ये तो कुछ भी नहीं था जो शुरुआत में धक्का मुक्की दी गई थी। वो तो पूरा धक्का ही दे दिया था। हमें बुलाओ बिग बॉस में, हम दिखाएंगे मारपीट किसे कहते हैं। इन्होंने तो फिर भी से धक्का मारा था, और वो कितना फेक उसने करा अभिषेक लगा कि नहीं मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। और अब तुमसे पूरी लड़ाई ले रहा है दोबारा। हाँ, पूरी लड़ाई ले रहा है उससे। गाइस देखो, जो दिल से खेलता है ना वो नहीं देखता कि वो बिग बॉस में है कि कहाँ है ना। वो खेलता है खाली, उसको नहीं रहता मतलब कि वो कौन से स्टैंडर्ड पे गया है, क्या गया है। वो भाई दिल से खेल लेते हमारे भैया। जो होना तो हो गया गाइस, अब तो कोई बात नहीं। उनका सिस्टम ऐसे भी दिल्ली में बहुत कैड़ा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने दिल तो जीत ही लिया लोगों का। दिल तो जीत ही लिया। जो दोस्ती यारी, मेरे ख्याल से दोस्ती पहली बार ही दिखी लोगों। हाँ, बिग बॉस में भाई आसिम भैया और वो क्या दूसरे भैया जो थे, क्या नाम था उन भैया का, सिद्धार्थ भैया की भी दोस्ती थी। बट भाई उनकी दोस्ती में भी ये चीज देखने को नहीं मिली जो इस दोस्ती में देखने के लिए मिली। और खाली बंदे मिले ही बिग बॉस में थे, और पूरे बिग बॉस में लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि तहलका भाई कुछ करते नहीं थे। मुझे तो एंटरटेनमेंट ही उनसे ही दिखता था। और जब से निकल रहे थे ना बाहर, सब लोग बोल भी रहे थे कि एक यही बंदा था जो मैं पूरे उसमें हंसाता था, मजा आता था यार। अरे एक बात बताओ, तहलका भैया कुछ नहीं कर रहे होते तो भाई 2 मिलियन है उनके यूट्यूब पे। 4 हो गए अब तो। 4 मिलियन की फैमिली ऐसी नहीं बना लेता आदमी हवाबाजी में। हाँ जी, पुल पे बगल वाला 3 लाइन वाली रोड पे है ना। तो गाइस दिखाते हैं अभी हम आपको दिल्ली का जाम, दिल्ली के लोग और हमारे तहलका भैया जिनके साथ हमने करना है कोलैब। ओके गाइस, मिलते हैं आपको। दीदी की गाड़ी है, और चालान वाला नहीं देते लोग, खतरनाक है भाई। और शिवम भाई बहुत बढ़िया भैया है सिस्टम। फोन मिला जो खोया था उस दिन? हाँ मिल गया, नीचे गिरा था वो तो। कहाँ नीचे? अरे नीचे गिर गया था जहाँ नाच रहे थे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओहो, कैसे हो दीदी? हाँ बहुत बहुत अच्छी हूँ। बहुत नाचो आप जिस दिन भैया घर पे आए थे भाई। एक सबसे ज्यादा आप नाचे, और आपसे भी ज्यादा एक बंदा और नाचे, एक सोचो कौन होगा वो। सोच लो भाई। इन सबसे कह रहा था मैंने कि पुनीत भैया आप ना कपड़े उतार के वीडियो वीडियो बना ले। तुमसे कह रहा था मैं, शायद तुमसे कह रहा था, बंदे ने दिखाते मेरे को वहाँ भी भाई। वो प्यार बहुत करता है सन्नी से, उसने कहा था सन्नी के लिए कुछ भी कर दूंगा, ये बोला था। और तभी तो यार कौन करता है किसी के लिए इतना जान। लेकिन एक बात बताऊं, देखो वो ना पैसा कमाने की कला है उनमें। किन में? पुनीत भैया में। पुनीत भैया में वहाँ भी कमाए उन्होंने सही बता कैसे लोगों ने इतने नोट उड़ाए उनके ऊपर। तो कहाँ गए वो जेब में? अब मुझे क्या पता। पुनीत भैया थोड़ी उड़ाएगा यार। पुनीत भैया बंदे ने मॉल बांध दिया था। अरे मजा आ गया था यार, मतलब ऐसा लग रहा था बंदा कि सही में खुश है। फादर इन लॉ निकल के मेरे चाटे मार रहे हैं। क्यों लग रहा था ना भैया को? तो क्यों मारेंगे? कैसे हो आप? इस बाबू की वीडियो देखी होगी आपने। वीडियो में बाबू अपने पापा को मिस कर रही थी। बीमार है? फाइनली नहा जा रही, फीवर है यार इसको। क्या हो गया? दर्द हो रहा है सर में भैया को? तो अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया गाइस, ये सेलिब्रिटी है, सपोर्ट करता रहा गाइस। ये रहे हमारे सनी भैया। एक बात बताओ, मुंबई जाने के बाद जब आप दिल्ली आए ना, लुक बदल गई आपकी पूरी। तो भैया कैसा लग रहा आपको वहां से निकलने के बाद? ठीक लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा। अपना प्यारा भाई अरुण, लेकिन अरुण को छोड़ के आया हूँ मैं, उसके बिना उदास हूँ। अब एक चीज तो देखो, आप दोस्ती कितनों ने करी बिग बॉस में, आपके जैसी निभाया कोई? और जो प्यार होता है वो कभी जताया नहीं जाता और बताया नहीं जाता, लेकिन हमें तो पता लग गया ना।
बहुत बड़े लेवल का प्यार है भाई के साथ मेरे, और वो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा मेरा भाई जीत के आए। और अभी कुछ दिनों से मैं टीवी देख रहा हूँ तो ये लग रहा है उसके चेहरा देख कर उदास है वो, और अभी विक्की भी ऐसे भी कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि वो सन्नी तैर का कब आया, तो ये इसे प्यार बोलते थे, उसे प्यार करता वो भी और मैं भी उसको। तो गाइस हम बता दें, सन्नी भैया ने ना जैसे लोग वहाँ दिमाग से खेल रहे हैं सबके साथ, भैया ने दिमाग नहीं खेला, भैया ने खेला दिल से, है ना, और दिल से कर दिया इन्होंने। दिल क्या कहता दोबारा जाऊंगा मैं, क्या बोले, हमें लग रहा है कि कुछ हो जाए बढ़िया सा सिस्टम, मजा आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि क्या नाम भैया बता रहे हैं, बता नहीं रहे, हो गया अभी उन्होंने मना किया होगा डिस्क्लोज करने के। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में। गाइस हम तो जाएंगे, भगवान करे जाओ आप, हमारा तो और नाम होगा, हमारे भाई हम तो जानते, हम तो सीधे बोलते हैं, मजा आता है। लेकिन गाइस एक बात बता दूं, दिल्ली का नाम रोशन कर दिया आपने, क्या बात है, गाजियाबाद वाले बोलते हैं बताए। अच्छा जी, मैं तो बता, मतलब जैसे गाजियाबाद की जनता को ढेर सारा प्यार, दिल्ली की जनता को ढेर सारा प्यार, और छोटा जो काम कर रहा है छोटे को भी ढेर सारा प्यार, आगे बढ़ तहलका मचा। और बिग बॉस के अंदर जो चल रहा है देखते रहो, बिग बॉस में कुछ लोगों ने मेरे को बोला, मेरे चाहने वालों ने, तहलका भाई तुम्हारे जाने को हम देखते नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो, बिग बॉस भारत देश का नंबर वन चैनल है, उसको देखो यार। और भैया मैं भी नहीं देखता यार सब, तो मैं भी नहीं देखता यार, नहीं देखना शुरू कर यार, तुम दारू पी के देखता रहा करो, बिना दारू के देखा ही मत कर दो, 24 घंटे नशे में रहते हो, नशे में देखा कर दो, तब तो टीवी फूट जाएगा, देखते नहीं हो तुम, देखते नहीं हो ना तुम, फिर टीवी फूट जाएगा। बस प्यार बना के रखना यार, बेशुमार प्यार बना के रखना, बाकी मेरे से जो गलती हुई, गलती तो कुछ हुई नहीं है, फिर भी कॉलर पकड़ा उसके लिए सॉरी है जनता। अरे कुछ नहीं, कॉलर पकड़ा बढ़िया करा आपने, आपकी जगह कोई और होता ना, गलती अगर जब मानते कि अगर पहले कभी बिग बॉस में ऐसा कुछ हुआ ही ना होता, धक्का मुक्की हुई है, बल्कि बिल्कुल ही सिद्धार्थ और आसिम वाली लड़ाई कितनी बुरी थी, पीछे उसको एकदम नीचे गिरा दिया था धक्का दे के, जब कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है भैया, ने सिर्फ कॉलर भी क्या पकड़ा, चला था उसको ऐसे खींचा ही तो, और वो खुद चढ़ के आ रहा था, हमें पता है कि भाई किसके पास ज्यादा फेम है उसके पास है कि हम तो बताना नहीं चाहिए, कुछ चीजें गुप्त में रहनी चाहिए। नहीं बिग बॉस सच में एक रियल शो है, और भारत देश की जनता बेशुमार प्यार दे रही है, सलमान सर मेरे को इतना प्यार दे रहे थे शो के अंदर, हर वीकेंड के वार पे तहलका नाइजीरिया भाषा में बात कर, तहलका सनी लियोनी मैडम के सामने डायलॉग बोल, सलमान सर ने मेरे को बेशुमार प्यार दिया, सलमान सर को दिल से प्यार है यार। नहीं मजा आ गया हमें भी, ये था कि थोड़ा सा अब ऐसा था ना भैया, देखो हम तो आपके लिए देख रहे थे, तो रीजन उसका क्या है, क्योंकि यार हमारे क्षेत्र के हैं, सबसे बड़ी बात है ना, हम देखते हैं, हम आपको जब देखते थे, मैं स्कूल पढ़ता था, आप अंकल के साथ वीडियो बनाते थे, तो यार हमें तो अच्छा लगेगा ना, हम उन्हें जानते नहीं भाई किसी को भी, साफ सीधी बात है ना, जो सच है ना, अरुण भाई को सपोर्ट करवाऊंगा उस बड़े लेवल पे, अरुण जान है मेरी यार, उन भैया को करेंगे अपने इंस्टा, तेरा इंस्टा वायरल है बड़े लेवल पे, अपने इंस्टा मेरा कुछ नहीं है भैया, आपका है सब कुछ, तेरा इंस्टा वायरल है तो स्टोरी लगा अरुण को लेके दबा कर, अरुण को प्यार कम नहीं मिलना चाहिए, अरुण को मिलना चाहिए 100 गुना प्यार, डन, उसको दिखना चाहिए कि तहलका जानवर है, मिलेगा भैया मिलेगा, देखते वीडियो दिखाना, फॉलो कर रखा है नहीं, ये दूसरी है ना तुम्हारी, यही तो है मेरी, शायद मैंने दूसरी आईडी से फॉलो की है, शायद मैंने तुम्हारी सही किया, नहीं यही आईडी मेन हमारी 1 मिलियन है जिस पे ना, अच्छा वो दूसरी किसी और की कर दी, इसे करना फॉलो। बहुत कैड़े कैड़े कपड़े हैं यार आपके यहाँ, हमारे इंद्रपुरम में ऐसा सौदा नहीं है, अब आप नहीं जाओगे, यही आएंगे, और कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, गाइस आप लोगों को भी कपड़े लेने हो तो यहाँ जरूर आए, एड्रेस बोलना भाई, पटेल नगर, वैश पटेल नगर 26/5, गाइस एड्रेस आपके पास आ गया होगा, भाई लोगों को सेवा का मौका जरूर देना, पिनाकल, ओके। कितने लाख की शॉपिंग कर ली आज प्रीति? देख भाई मैं जो सोच के आया था ना घर से, सोच के आया था 12-13 लाख की शॉपिंग करूंगा, लेकिन जिस सबसे कपड़े पसंद आ रहे हैं
भाई दिल खुश हो गया, मैं भाई ने बिल बनाया 88 लाख रुपए का। अब सोचो गाइस अगर 88 लाख रुपए की हम दोनों भाई 88 लाख रुपए की अगर हम दोनों शराब पीते तो आज कहाँ उठते हम दोनों। हम शराब पीते तो यहीं बैठे रहते, उड़ते थोड़ी फिर कहीं उड़ जाते यार। ये पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा। तो जो भी चीज़ है पता नहीं लग रहा क्या क्या है, लेकिन जो भी है ऋतिक अच्छा बंदा, अच्छा इंसान है, इससे ऐसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। और छोटा बहुत हरकत बाद भी हंसता ही अंदर खाते रहता है, ठीक है। अगर जो भी करते रहो तेलका बताते रहो, जब बिग बॉस देखते रहो सही, और तेलका 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 ऋतिक ऋतिक दारू 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 ब्रांड ब्रांड ब्रांड। तो गाइस भैया ने कराई आज हमें शॉप। छोटा भाई हमेशा साथ हमेशा प्यार, तहल का ऋतिक एक नंबर, आने वाले टाइम पे बिग बॉस के अंदर मेरा भाई सही है तहल का। और गाइस सुनो, जो भी बंदा बिग बॉस में जा रहा है कितना वजन कम करके ला रहा है, 15 किलो 17.5 किलो, और मैं हूँ 40 का, तो 40 का नहीं 50 का, तो मैं किस में आऊंगा भाई 12-13 किलो में आएगा बेटा। नहीं नहीं वेंटिलेटर में आइए जैसे करते हो ना। साथ में रहेंगे और ये दारू पिएगा, मैं इसको मना करूंगा, फिर ये दारू पिएगा मैं इसको मना करूंगा, फिर बाद में बोलेगा ये सही है तो गाइस भैया जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, सरप्राइज है आपके लिए वो जो जहाँ घूमने जा रहे हैं। तो और हम भी निकलते हैं घर के लिए, आज के व्लॉग करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच गाइस।